पटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, पिकअप से टकराकर पलटी कार। पति पत्नी समेत तीन की मौत, अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ श्रिया गुप्ता। राष्ट्रीय राजमार्ग रुदौली मकवापुर कृष्णा ढाबे के सामने आज गुरुवार को गैस से लदी पिकअप और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलट गई और कार में सवार एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ से सादतगंज का रहने वाला परिवार कार से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा था। लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रही कार संख्या UP32HR9350 एक गैस लदी पिकअप को पीछे से टक्कर मारकर पलट गई। इसमें कार में सवार राजेंद्र राजेश, स्वाति राठौर, शशि प्रभा, रूपम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी संतोष उपाध्याय और सिपाही अशोक कुमार संदीप कुमार ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर इलाज के दौरान राजेश पुत्र शीतला प्रसाद 35 वर्ष, शशि प्रभा पत्नी राजेश 22 वर्ष और स्वाति पुत्री शीतला प्रसाद राठौर 24 वर्ष की मौत हो गई। प्राइम न्यूज 24 से अफरोज खान की रिपोर्ट। थाना रुदौली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे लखनऊ से अयोध्या की तरफ आने वाली पटरी पे आज दोपहर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई है। ये लोग चारपहिया वाहन से अयोध्या की तरफ आ रहे थे। इनके आगे एक महिंद्रा पिकअप जा रही थी, जिसने अचानक बिना इंडिकेटर दिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ मोड़ा था, जैसा कि बताया जा रहा है, और पीछे से आ रही इस गाड़ी के साथ इसकी टक्कर हुई। इसमें एक पुरुष और दो महिला जो कार सवार थे उनकी मृत्यु हुई है। दो लोग अन्य इसमें घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संबंधित मामले में आगे की विधिक कार्रवाई।